नमस्कार, अनदर व्यू पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा वक्त लगा वीडियो आने में, पर जो प्रोडक्ट आपके लिए लेके आए हैं, इट इज़ सुपर लग्जरी बैंग ऑन एनएच हाईवे। तो आइए देखते हैं क्या है अनंता एस्पायर। सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। नेशनल हाईवे 7 पे लोकेटेड है ये। इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली, चंडीगढ़, होल पंजाब। सेकेंडली, राइट मोड़ने पर मोहाली आता है। एयरपोर्ट से इसकी मात्र 15 मिनट का डिस्टेंस है। ये जो सीधी रोड है, ये जीरकपुर को जाती है उस साइड, और जो मैं बात कर रहा था दिल्ली की तरफ, वो ये वाली रोड जाती है। अब हम लोग एंट्री पे आते हैं। एंट्री में 90 फीट वाइड एंट्रेंस है इसकी, जिसमें से कि 30 फीट का ये कमर्शियल है और 60 फीट की ग्रैंड एंट्रेंस मिलती है आपको बिल्कुल नेशनल हाईवे पे। तो जो लोग ये बात करते हैं, अब आप पीछे आ जाओ। तो प्रोजेक्ट्स तो यहाँ पे कई सारे बने हुए हैं, पर प्रॉब्लम उनकी क्या है, उनको अप्रोच करने की जो रास्ता है वो बहुत ही गली कुचरों में होके गुजरता है। ये इसका फ्रंट, आपका अगर बच्चा स्कूल से आ रहा है तो वो नेशनल हाईवे पे ही उसका आपकी सोसाइटी का फ्रंट आ जाता है। इवन अगर आप देखो तो शायद इस फ्लैट में अगर आप रहते हो तो आपको आपका बच्चा उतरता हुआ दिखेगा। सो, ये इसकी बहुत बड़ी USP है। अब नेक्स्ट आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्लीज़ इधर आ जाइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंट्रेंस करने के जस्ट बाद आपकी एक बेसमेंट पार्किंग शुरू हो जाती है। पार्क के पूरा नीचे बेसमेंट पार्किंग है, साथ में पीछे अगर आप देखोगे तो सरफेस पार्किंग भी दी है और बिल्डिंगों के नीचे स्टिल्ट पार्किंग भी दी गई है। अब हम पहले पार्क की बात करते हैं। थीम पार्क बोलते हैं इसको। थीम कंसेप्ट क्या है इसमें? इस पार्क में आपको गजीबो मिल जाएगा, इस पार्क में आपको जॉगिंग ट्रैक्स मिल जाएंगे, लेकिन इस पार्क में आपको स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ नहीं मिलेंगी। उसका एक कारण है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गर्मियों की छुट्टियों में, इधर आइए मैं दिखाता हूँ, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे हैं, धूप में खेल रहे हैं, कभी रात को खेल रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स का कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, वो अगर उस पार्क में होने लगे तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा सेफ्टी इशू आता है। उसका इन्होंने सोल्यूशन दिया है, 1.5 एकड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अलग ही बना दिया। यहाँ पे आपको बास्केटबॉल मिल रहा है, आपको स्क्वाश मिल रहा है, लॉन टेनिस मिल रहा है, स्केटिंग रिंग मिल रहा है, साइकिलिंग रिंग मिल रहा है, वॉट एवर योर बेसिक लग्जरी एमिनिटीज़ आपको चाहिए स्पोर्ट्स के नाम पर, वो सारी यहाँ दी गई हैं। साथ ही साथ इस कॉर्नर पे पेट एरिया अलग से दिया गया है। ये है यहाँ पे स्टिल्ट पार्किंग। इस जगह पर डॉर्मेट्री दी गई है ड्राइवर्स के लिए और रिसेप्शन एरिया है फॉर योर गेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई गेस्ट आता है जो यहाँ पे आपके स्टिल्ट पे रुकता है वहाँ, और आप घर पे नहीं हैं, आप उसको बोल सकते हो आप प्लीज़ बैठिए सिटिंग एरिया में, लाउंज है उधर। उसके साथ साथ जो आपके ड्राइवर्स के लिए डॉर्मेट्री बनाई गई है, वहाँ 8 ड्राइवर रुक सकते हैं एक बिल्डिंग के नीचे। नेक्स्ट USP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए इसके लेआउट में। इट लुक्स लाइक अ वॉल, राइट? एक फ्लोर पर सिर्फ 2 ही फ्लैट, 2 स्टेयरकेस, 2 लिफ्ट। फ़ायदा समझिए इसका, बोथ साइड ओपन रहेगा आपका फ्लैट। इस बिल्डिंग्स के क्लस्टर के जस्ट पीछे, जहाँ मैं हाथ फेर रहा हूँ, जस्ट पीछे हिमालयाज की रेंज है। जब ठंडी हवा नीचे बैठती है तो पूरी आपकी फ्लैट के थ्रू होके गुजरेगी। उसका आप फ़ायदा जस्ट इमेजिन करके देखिए। मानसून के वक्त इस डायरेक्शन से हवा बहती है, उनकी जाने की जगह कहाँ है? एक दीवार की तरह खड़ा हुआ जाएगी कहाँ से? आपके फ्लैट के अंदर से। दिस कम्प्लीट कंस्ट्रक्शन इज माइवान कंस्ट्रक्शन, यूरोपियन टेक्नोलॉजी है। इसका जो शटरिंग आती है मलेशिया से आती है। मलेशिया से आने की वजह से जो उसकी फिनिशिंग क्वालिटी है, वेरी प्रीमियम फिनिशिंग क्वालिटी। माइवान कंस्ट्रक्शन का फ़ायदा क्या है? बहुत ही फास्ट कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत इसमें कोई शोरा वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती। शोरा मतलब जो दीवार में सीलन सीपे जाती है, उसकी प्रॉब्लम नहीं आती। सांचे खड़े किए जाते हैं पहले, जितनी लेबर लगनी है, स्किल्ड लेबर लगनी है, कॉस्टिंग लगनी है, उसी में लगती है। सांचे खड़े किए गए, उसमें सरिया डाली गई, जो भी मटेरियल डालना है आपने, आपको एल्यूमिनियम वगैरह जो भी डालना है डाला गया सही जगह पर। ऊपर से सीधे सीधे RCC पोर कर दिया जाता है, पूरा पूरा फ्लोर एक साथ खड़ा हो जाता है। तो जिस स्पीड से लो राइज बिल्डिंग खड़ी होती हैं, ये लोग माइवान कंस्ट्रक्शन से हाई राइज उतने टाइम में खड़ी कर देते हैं। तो जिसका आप वेट कर रहे थे, सैम्पल फ्लैट तो दिखा दो, आ जाइए। जैसा मैंने बोला था, 2 स्टेयरकेस, 2 लिफ्ट, 2 फ्लैट्स के लिए। तो आइए समझाते हैं। यहाँ एक स्टेयरकेस का प्रोविज़न है और ये जो आप दीवार दिख रहे हैं, यहाँ पे भी स्टेयरकेस का प्रोविज़न है। अब आइए,
दो लिफ्ट दी गई हैं फॉर ईच फ्लैट। अब अगर आप लॉबी पे ध्यान देंगे तो ये एक लॉबी है फॉर एक वन फ्लैट, ये उसका सर्वेंट एरिया का एंट्रेंस। सेम चीज़ इधर दी गई है, यहाँ पे सर्वेंट एरिया का एंट्रेंस होगा, ये उसकी लॉबी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका दरवाज़ा आपके पड़ोसी के सामने नहीं खुलता, जो कि कई बार प्राइवेसी इशूज़ आते हैं, तो वो उस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है। तो आइए सैम्पल फ्लैट का एक व्यू लेते हैं। सर्वेंट एंट्री यहाँ दी गई है, पर्सनल लॉबी आपके मेन डोर के लिए। स्मार्ट लॉक दिया गया है, फिंगरप्रिंट, पिन कोड, की, इवन वाईफाई एंट्री आपको यहाँ मिलती है। 8.5 फुट का 2 इंच की थिकनेस के साथ फ्लश डोर दिया गया है यहाँ पर। सिक्योरिटी आपकी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। एंटर करते हैं, ये अपना फॉयर एरिया है, 4 फुट 11 इंच बाई 4 फुट 11 इंच का एक ह्यूज फॉयर एरिया। यहाँ पर आप अपना कोई डेकोरेशन रख सकते हैं यहाँ, या फिर शू रैक रख सकते हैं, वॉट एवर यू फील लाइक, बट एक स्पेशियस ग्रैंड एंट्री का एक फील देती है। एंड अंदर आते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एंटर करते ही आपके पास लाइट स्विचेस हैं कि नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लिविंग एरिया या फिर ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, 20 बाई 14.5 फुट करीब का ये डाइनिंग एरिया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था माईवान कंस्ट्रक्शन, उसका फ़ायदा क्या होता है, कहीं भी आपको बीमिंग नहीं दिखेगी ना इसके अंदर, वॉल्स क्लीन बिल्कुल एकदम, वो उसका फ़ायदा आपको बेडरूम्स के अंदर भी दिखेगा। लेट्स डिस्कस स्पेशियस लिविंग रूम। इसके अंदर आप 9 सीटर 11 सीटर 7 सीटर वॉट एवर योर रिक्वायरमेंट इज़, आप अगर अपना यहाँ पे सोफ़ा लगाते हैं, स्पेस की कोई कमी महसूस नहीं होती। उसके बाद अगर हम देखें प्राइवेसी मेंटेन करते हुए, यहाँ पर पाउडर रूम दिया गया है फॉर योर गेस्ट। पाउडर रूम में अगर हम नज़र डालें तो प्रीमियम पाउडर रूम, सेंसर्स के साथ लाइट है। आपने एंटर किए, आपकी सारी लाइट्स ऑन हो गई। मिरर एज इट इज़ दिया जाएगा, बस इसमें यह लाइट इंक्लूडेड नहीं रहेगी, सेल्फी मिरर आपको दिया जाएगा। वॉशरूम फिटिंग्स पे अगर नज़र डालिए आप, तो कूलर की फिटिंग्स हैं पूरे घर पे। एज इट इज़ आपको सारे इंटीरियर्स जितने भी वॉशरूम के अंदर हैं एज इट इज़ मिलेंगे। यहाँ पे ग्रेनाइट का वर्क किया गया है और साथ में ऊपर एग्जॉस्ट, एवरीथिंग इज़ इंश्योर्ड। वापस आते हैं लिविंग रूम की तरफ चलें, अब डाइनिंग एरिया की तरफ हम देखते हैं। ये जो आप कर्टन देख रहे हो, ये डबल ग्लेज्ड ग्लास है जो पूरा ओपन हो जाता है। इसके बाहर बालकनी है, आप जस्ट इमेजिन करके देखो, जब मैं अभी दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। आप इमेजिन करके देखो, आपको एक पूरा लिविंग रूम एक बालकनी के साथ एक्सटेंड हो जाए और साथ में एक पूरा पार्क व्यू, सो इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। क्या बात है, स्पेशियस लिविंग रूम। आपका डाइनिंग यहाँ पे 6 सीटर इवन 7-8 सीटर भी आ सकता है आराम से। टीवी पैनल आप देखो, 52 इंच टीवी लगानी है, 42 इंच टीवी लगानी है, दैट इज़ ऑन योर कॉल। लाइटिंग पे अगर हम ध्यान दें तो लाइटिंग जितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, आपको प्रोविजंस दिए जाएंगे, हर एक बंदे का टेस्ट अलग होता है, अपने हिसाब से वो यहाँ पे लाइटिंग करवा सकता है। फॉल सीलिंग करवाई जाएगी, लाइटिंग के प्रोविजंस दिए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं किचन की तरफ। 9x13 का किचन दिया जाता है, स्पेशियस किचन, पैरेलल स्लैब के कॉन्सेप्ट में दिया गया है। आइए एंटर करिए। अनंता ग्रुप की तारीफें करने के पॉइंट्स मतलब ख़त्म होते ही नहीं। बॉश का स्टोव, कोई भी कंपनी इंडक्शन नहीं देती, ये बॉश का इंडक्शन देती है, ये आपको दिया जाएगा। सेकेंडली आते हैं इस पैनल में वॉशिंग एरिया, आपके जो किचन का छोटा मोटा होता है, जहाँ पे आपको वेजिटेबल कटिंग करनी है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। ये जो डिश वॉशर है, ये भी प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉपर, ये भी बॉश का है। आपको सॉफ्ट क्लोजर यहाँ पे वैनिटी प्रोवाइड की जाएगी। जो ये एरिया देख रहे हो, यहाँ पे आप अपना एज अ शोकेस रख सकते हैं, अपनी क्रॉकरी, एवरीथिंग इज सॉफ्ट क्लोजर। ये जो आप प्रोफाइल लाइटिंग देख रहे हैं, एज इट इज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। सेकेंडली चिमनी आपको प्रोवाइड की जाएगी, अगेन बॉश, मतलब आई डोंट हैव एनी थिंग टू से फर्दर। वैनिटी में आपको प्रीमियमनेस की कोई कमी नहीं है। अब आइए वॉशिंग एरिया में। साउंडलेस सिंक्स दिए गए हैं आपके लिए, जहाँ पे आपका जो भी आपके हाउस हेल्प होंगे वो यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। वॉशिंग एरिया यहाँ पे, वॉशिंग मशीन इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके सर्वेंट रहेगा कहाँ। ये उसका सर्वेंट रूम दिया गया है, एक अच्छा स्पेशियस गुड एनफ
सर्वेंट रूम है, साथ में उसका सेपरेट वॉशरूम, सो सिक्योरिटी फुल्ली इंश्योर्ड। सो मैं एक बार और रिवाइज करा दूं आपको, आपको सिर्फ ये अवन फ्रिज नहीं प्रोवाइड होता, बाकी आपको एज इट इज़ बाथरूम फिटिंग्स, वैनिटी, स्टोव, स्लैब एज इट इज़ प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए एंटर करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। 11x14 का क्लीन बेडरूम है यहाँ पे। क्लीन में क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, माइवान कंस्ट्रक्शन जो मैंने बताया था आपको, कोई बीमिंग नहीं होती, तो उसका ये फ़ायदा होता है आपको जो बेडरूम मिल रहा है वहाँ कोई बीमिंग नहीं दिखाई देगी, जिसकी वजह से आप किसी जगह पे वार्डरोब बनाना या फिर अपने बेड को उस बीम के हिसाब से सेटअप करने में मजबूर हो जाते हो, वो आपको प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी। क्लीन स्क्वायर या रेक्टेंगुलर आपको वॉल्स मिलेंगे यहाँ पे। जस्ट लुक एट इट, वैनिटी की स्पेस है, क्वीन साइज़ बेडरूम है, वैनिटी की स्पेस दोबारा से, इवन सोफ़ा रखने की भी यहाँ पे स्पेस आपको प्रोवाइडेड है। टीवी पैनल आपको दिया जाएगा एज इट इज़, टीवी नहीं दी जाएगी ऑब्वियसली। सो सुपर लग्जरी सेगमेंट बोल रहा हूँ मैं उतनी देर से, उसका क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पे अपना लोहे की अलमारी रख रहे हो, लग्जरी तो ख़त्म हो गई। एंटर करिए ड्रेसिंग रूम की तरफ। एज इट इज़ आपको विथ प्रोफाइल लाइट्स, सेंसर लाइट्स आपको वैनिटी प्रोवाइड की जाती है। स्टोर भी आता है इस बेडरूम के साथ, इसको स्टोर रूम बोलिए या पूजा रूम बोलिए, गुड एनफ स्टोर रूम, साथ में इसके वॉशरूम। घरों में अगर लग्जरी बोली जा रही है तो वो वॉशरूम से ही पता लगती है कि भाई असलियत क्या है। सेंसर लाइट्स के साथ यहाँ पे ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको पहले बताया, मिरर आपको इसी हाइट का मिलेगा, बस इस लाइट के साथ नहीं, लेकिन रेस्ट एवरीथिंग पूरा ऊपर तक टाइलिंग है, मतलब अगर कहीं कोई गड़बड़ होनी भी थी तो उसका भी चांस ख़त्म कर दिया। ये ग्लास आपको एज इट इज़ दिया जाएगा पार्टीशन, आपका शावर एरिया अलग है, आपका वेट एरिया ड्राई एरिया अलग किया गया है कूलर की फिटिंग के साथ, इवन ये वैनिटी भी आपको प्रोवाइड करी जा रही है। इवन अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँ, सो दिस इज़ इट, ये पूरा ऊपर तक आपको कवर करके देते हैं टाइलिंग के साथ। कलर कॉम्बिनेशन वेरी रॉयल, जस्ट लुक एट द क्वालिटी। इन पर्दों के पीछे अपनी बालकनी है, बालकनी इसका USP है, आइए बताता हूँ कैसे। जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस बालकनी, 6x36 की बालकनी है। इस बालकनी को देख करके सिर्फ एक चीज़ दिमाग में आती है, ऑल्दो वो चीज़ हम कर नहीं पाएंगे, पर क्रिकेट पिच यहाँ पर, ये बालकनी अगर आप देखोगे, दिस ग्लेज ग्लास इज ऑफ योर लिविंग रूम। जस्ट इमेजिन अगर आप इसको पूरा खोल देते हो, आपका लिविंग रूम आपकी बालकनी से ऐसे अटैच हो जाता है कि अगर आप कोई पार्टी कर रहे हो, आधे लोग अंदर हैं आधे लोग बाहर हैं, 40 गेस्ट की आराम से पार्टी यहाँ पे की जा सकती है। जो आप सेकंड यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आप ग्लेज डोर देख रहे हैं, ये आपके गेस्ट बेडरूम का है, जो बेडरूम आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इग्नोर कर दिया, पर उसको कवर अभी करके चलते हैं वहाँ पे। सेकेंडली एक चीज़ रह गई, ये जो आपको ग्लास दिया जा रहा है, जैसा कि मैंने, अगर आप थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे उन बिल्डिंग्स को, तो जो लुक आता है ना सामने का, रॉयल लुक, लग्जरी लुक, वो इसकी वजह से आता है। यहीं अगर ग्रिल लगा देते तो सारा लुक ख़राब हो जाता। ये भी आपको सेम टफन ग्लास विद सेम फिक्स्चर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेट्स गो इनसाइड अगेन। अब जैसा कि मैंने बताया था अबाउट दैट बालकनी, बालकनी आपने जैसे ही खोली, आपका लिविंग रूम आपकी बालकनी के साथ अटैच हो जाता है। इतना स्पेशियस लुक आएगा आपको, इतना रॉयल लुक आता है आपको, और खोलते ही आपकी लाइटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब मैं आपको इस ग्लास की खासियत बताता हूँ, डबल ग्लेज ग्लास है ये, साउंड प्रूफ, हीट प्रूफ। क्यों, रीज़न बताइए, दावा करने से कुछ नहीं होता। हीट प्रूफ इसलिए, डबल ग्लेज मतलब दो ग्लास, उसके बीच में गैस होती है, तो जब इंफ्रारेड रेडिएशन, आपको अगर किसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट पता होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन जब एक बार ग्लास से पास हो जाती है वापस नहीं जाती, इसीलिए आपकी कारें गर्म रहती हैं धूप में। वो रेडिएशन बीच में आकर के उस गैस में फंस जाती है, ना अंदर आएगी ना बाहर जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, साउंड प्रूफ, साउंड वाइब्रेशंस एक ग्लास से तो अंदर आई,
गैस में ट्रैप हो गई, दूसरे ग्लास से पास नहीं होती, कंप्लीट साउंड प्रूफ, ना अंदर की साउंड बाहर जानी है ना बाहर की साउंड अंदर आनी है। सो अगर कोई आदमी फालतू में नुक्स निकालने आ जाए, बोले कि हाईवे के जस्ट बगल में है, बहुत शोर होएगा, क्वेश्चन एंडेड। अब चलते हैं इनके मास्टर बेडरूम की तरफ। 12x15 का क्लियर साइज़ दिया गया है। जस्ट लुक एट द स्पेस, क्वीन साइज बेड, उसके साथ सोफ़ा की अलग ही स्पेस प्रोवाइडेड है आपके पास, स्पेस की कोई कमी ही नहीं। अंदर अगर आप आते हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ, यहाँ पे भी आपको हर एक रूम में स्मार्ट स्विचेस मिलेंगे। अंदर आते हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ, प्रोफाइल लाइट्स के साथ आपका ड्रेसिंग आता है। 6x5.5 के करीब का ये अकेला ड्रेसिंग रूम है, उसके बाद आता है वॉशरूम। लेट अस एंटर द वॉशरूम नाउ। मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम है, इट इज़ अपने आप में एक स्पेस को अगर आप देखो तो फुल स्पेस मिलती है यहाँ पे। एज आई सेड, पूरा ऊपर तक टाइलिंग मिलेगी आपको, कोई वैसे तो सीपेज माइवान की वजह से होना ही नहीं, बट जो भी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आनी है वो भी नहीं आती। अब अगर आप मैं आपको फिटिंग्स दिखाऊं, कूलर की फिटिंग्स, सेल्फी मिरर के साथ आपको दिया जाता है, लाइटिंग नहीं होगी इस मिरर में, अदरवाइज एवरीथिंग इज देयर। सेम वैनिटी, सेम पार्टीशन, आपका वेट एरिया अलग है, ड्राई एरिया अलग है। और जस्ट लुक एट द स्पेस कमिंग आउट, एक आलीशान मास्टर बेडरूम। इसको मास्टर बेडरूम का एक फ़ायदा क्या है, इसकी सेपरेट बालकनी दी गई है। लुक एट द ब्यूटी, जस्ट सेपरेट बालकनी दी गई है इसकी, वॉशिंग एरिया के साथ अगर आप रेफरेंस लेना चाहें। 6 फुट वाइड बालकनी अपने आप में एक अलग ही एलिगेंस देती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये टफन ग्लास सेम फिटिंग्स के साथ आपको मिलता है, ये पूरी सोसाइटी की लुक निखार के लेके आता है। अब जैसे कि ये सुपर लग्जरी सेगमेंट लेके आए हैं, माइवान कंस्ट्रक्शन किया है, 80 साल की लाइफ है, तो कंस्ट्रक्शन में लाइफ और साथ में टेक्नोलॉजी में भी तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी तो एडवांस हो रही है। स्मार्ट होम कंसेप्ट है ये, जो आप स्विचेस देख रहे हैं, इंटरनेशनल सॉकेट्स के साथ, एलेक्सा इनबिल्ट है इसमें। तो अगर आप इसको कहीं पे ले हो, एलेक्सा बोला और मैडम चालू हो गई। हाँ, तो जैसा कि मैं बोल रहा था, इसको आप अगर फॉर एग्जांपल अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपको नहीं याद कि आपने लाइट ऑफ करी थी कि नहीं, कई बार जब घूमने जा रहे होते हैं कहीं लंबी दूरी पर, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में इसी बात पर लड़ाई होती है कि लाइट किसने ऑफ़ करी थी। तो कोई टेंशन नहीं है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से लाइट्स ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, एसी एंटर करने से पहले ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द टेक्नोलॉजी विच वी हैव इनबिल्ट इन दिस फ्लैट। कमिंग बैक अगेन टू दिस एरिया, फॉयर एरिया, ये है गेस्ट बेडरूम। अपना 11x14 का गेस्ट बेडरूम है। इसको मैंने पहले क्यों नहीं बताया, अब क्यों बता रहा हूँ, ये प्राइवेसी मेंटेन करके रखता है। आपका जो अंदर वाला पार्ट था, दैट इज़ योर पर्सनल स्पेस, आपके जो गेस्ट आते हैं उनका पाउडर रूम, गेस्ट रूम और गेस्ट रूम का सेपरेट बाथरूम इसी साइड है। सो लेट अस एंटर। यहाँ पे भी उन गेस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, उनका वार्डरोब सेम एज इट इज़, सेंसर लाइट्स के साथ दिया जाता है, सॉफ्ट क्लोजर के साथ वैनिटी, क्वीन साइज बेडरूम। अगर आप इसका साइज़ भी देखिए, इट इज़ ब्यूटिफुल। सीलिंग आपको करके दिए जाएगी, लाइट प्रोविजंस आपको दिए जाएंगे, विच इज़ आई एम रिपीटिंग द पॉइंट कि वो आपको खुद करवाना है। एंट्रिंग इन टू द वॉशरूम, लेट मी शो यू, सेम कॉन्सेप्ट, ऊपर तक आपको टाइल्स दी गई, एंट्रेंस ब्यूटिफुल एंट्रेंस, कूलर की फिटिंग के साथ, आपका वेट एरिया ड्राई एरिया अलग है। इवन इफ़ यू वॉन्ट, योर पार्टीशन कैन बी इंस्टॉल्ड इन बिटवीन। अगर आपको कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी है, बुकिंग के लिए कैसे प्रोसेस रहेगा, पेमेंट प्लान क्या रहेगा, प्राइसेस आपको इस दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट, ये इधर है कि इधर है मुझे नहीं पता, वो वीडियो में एडिटिंग के बाद पता लगेगा, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए और आपको प्राइसिंग, विजिट्स, एवरीथिंग विल बी प्लान्ड। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, इवन एंड यूज़र के पर्पज़ से, दे वेलकम विद ह्यूज हार्ट्स। यू जस्ट कम हियर एंड जस्ट हैव अ एन्जॉयमेंट ऑफ लग्जरी लाइफ। थैंक यू।